हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है रियल नंबर्स का यूक्लिड डिवीजन लेमा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रियल नंबर्स का एक हमने ओवर व्यू लिया था कि क्या क्या इसके अंदर है। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमने देखा था वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आज हम इसी को स्टडी करेंगे और इसकी एप्लीकेशन हमने देखी थी कि क्या है कि हमें HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगा के। तो आज इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे हम। तो ये मेरा अब एक क्वेश्चन हम पहले करेंगे और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे ये क्या है। फाइंड द HCF ऑफ द इंटीजर्स 455 एंड 42। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हो सकता है आपको आता हो पहले, तो एक एग्जांपल करके देखते हैं कि 455 बड़े नंबर को मैं अंदर रखूँगा और 42 को मैं 42 से मैं इसे डिवाइड करूँगा। इसमें ख़ास बात क्या रखनी है कि हमें इसे पूरा ले जाना है। जैसे 42 जब मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 42 इंटू 1 42, रिमाइंडर 3 आ गया एंड यहाँ से मेरा 5 नीचे आ गया, राइट। अब मुझे क्या करना है, ये पूरा आगे ये नहीं जा सकता, राइट। ये ज़ीरो जाएगा यहाँ पे और 0 ही आएगा यहाँ पे और 35 मेरा यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। तो पहली चीज़ का ख्याल क्या रखना है कि हमें इसको पूरा डिवाइड करना है, यहाँ पे नहीं रुकना, इस स्टेज पे हमें पूरा डिवाइड करना है। जब पूरा डिवाइड करने के बाद 35 मेरा रिमाइंडर आ गया, अब मुझे इस डिवाइज़र को जो कि 42 है इसे उठा के मुझे यहाँ पे नया डिविडेंड बना देना और रिमाइंडर जो है मेरा वो मेरा नया डिवाइज़र बन जाएगा। समझ आ गया आपको, मैंने एक नंबर 455 को 42 से डिवाइड करा, उसका कोशेंट जो था मेरा 10 आ गया और रिमाइंडर जो है मेरा 35 आ गया। अब जो मेरा पहला डिवाइज़र था वो उठ के मेरा नया डिविडेंड बन गया और रिमाइंडर मेरा डिवाइज़र बन गया। अब इसे हम फिर ले जाएंगे नॉर्मल डिवीजन के थ्रू, तो 35 इंटू 1 35 हो जाएगा, रिमाइंडर अब मेरा 7 आ गया है। तो अब फिर से वही चीज़ करेंगे, ये वाला 35 उठ के इधर आ जाएगा, 35 ये मेरा नया डिविडेंड बन गया। अब 7 डिवाइज़र है, 7 इंटू 5 35, अब मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो मेरा लास्ट डिवाइज़र होगा वो मेरा HCF होगा, ठीक है जी। तो हम इसको लिखेंगे कि HCF ऑफ 455 एंड 42 इज 7, ठीक है जी। आप इसको समझने एक बार फिर से रिकैप करते हैं कि 455 को मैंने 42 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर 35 आया, कोशेंट मेरा 10 आया। अब जो मेरा 42 यहाँ पे डिवाइज़र था अब वो इधर आके डिविडेंड बन गया और 35 जो मेरा रिमाइंडर था वो मेरा नया डिवाइज़र बन गया। तो अब हमने इस प्रोसेस को पूरा करते चले गए, बार बार चेंज करते गए जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ गया। जैसे ही मेरा रिमाइंडर 0 आया जो मेरा लास्ट डिवाइज़र था वो मेरा HCF होता है, ठीक है जी। समझ आ गया। अब इसी चीज़ को अगर मैं दूसरी फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ, ये जस्ट आपको बताने के लिए था, अब इसे लेमा की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे हम। तो डिवीज़न एल्गोरिदम जो हमने आज तक पढ़ा है वो हमें आता है, उसको कैसे लिखते हैं हम कि जो मेरा डिविडेंड होता है दैट इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, 455 को मैं अगर 42 इनटू 10 प्लस रिमाइंडर करेंगे हम, ठीक है जी। तो ये बन गया फर्स्ट। आप देखिए सेकंड स्टेप में मैंने आपको कहा था कि 42 मेरा जो है वो मेरा नया डिवाइज़र बन जाएगा, तो सिंपली डिविडेंड बन जाएगा, 42 मेरा नया डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर 35 है वो नया डिवाइज़र बनेगा। तो 35 जो है मेरा रिमाइंडर नया डिवाइज़र बन जाएगा। अब ये किससे गया, ये 1 से गया कोशेंट से, तो कोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया देखिए 7, तो यहाँ पे प्लस 7।
अब नेक्स्ट स्टेप में 35 मेरा नया बन गया डिविडेंड और 7 मेरा नया डिवाइजर बन गया, कोशेंट 5 से गया ये और रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है जी, तो मेरा जो लास्ट डिवाइजर था दैट इज HCF। ठीक है जी, आपको समझ आ गया ये। तो इसमें हमने क्या किया, सिंपली इसको इस फॉर्म में लिख दिया। आप इसे एक बार आराम से पॉज करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं लेमा डिराइव करने की कोशिश करूँ तो ये देखिए, अगर मैं 455 को यानी कि ए एक इंटीजर ले लेता हूँ और बी मेरा डिवाइज़र हो जाएगा, ठीक है जी, तो इनटू सम कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये मेरी यूक्लिड डिवीजन लेमा बन गई। तो ए मेरा इंटीजर हो गया, बी डिवाइज़र हो गया, क्यू कोशेंट हो गया और आर रिमाइंडर हो गया। अब इसमें एक खास बात ध्यान रखने वाली है कि आर के ऊपर क्या कंडीशन है। आर के ऊपर कंडीशन है कि आप देखें यहाँ पे जो ये मेरा आर है, जैसे 35 आ रहा है इस केस में, ये कभी भी 42 के बराबर भी नहीं हो सकता और 42 से बड़ा भी नहीं हो सकता, ये हमें पता है, क्योंकि अदरवाइज ये मेरा नेक्स्ट नंबर 11 से चला जाता। सो मेरे रिमाइंडर पे हमेशा कंडीशन क्या होती है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइज़र, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइज़र। और सबसे कम वैल्यू क्या होगी, सबसे कम वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 आएगी, नेगेटिव तो कभी आ नहीं सकती, तो आर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, जैसे इन केसेस में हमने देखा। तो हमने देख लिया कि आर जो है 0 या उससे बड़ा रहेगा लेकिन हमेशा डिवाइज़र से छोटा रहेगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम कंडीशन लगा देते हैं आर पे कि आर जो है हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, और यहाँ पे इक्वल टू का निशान मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये डिवाइज़र के बराबर नहीं हो सकता। तो डिवाइज़र इस केस में हमारा बी है, तो आर की कंडीशन जो है वो हमेशा 0 से बी के बीच में रहेगी। 0 में लेस देन इक्वल टू लगेगा लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू है, सॉरी आर के लिए, और लेस देन बी लगेगा। कहने का मतलब है कि आर कभी भी बी के जितना नहीं हो सकता, अदरवाइज़ वो नेक्स्ट नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल इसमें हम करेंगे तो हमें और ज़्यादा समझ आ जाएगा, बट ये मेरी यूक्लिड डिवीजन लेमा है और इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि आगे ये ऐसे ही यूज़ करेंगे। तो लेमा आप सिंपली क्या बन गई, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे बी हमारा एक नंबर है जिससे हमने डिवाइड किया ए को, और कोशेंट प्लस आर है, और इधर आर के ऊपर स्पेशल कंडीशन क्या लगी है कि आर जो है हमेशा 0 और बी के बीच में रहेगा। 0 वो वैल्यू ले सकता है लेकिन बी वैल्यू वो कभी नहीं ले सकता। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम यहाँ हम पेस्ट करेंगे अपनी पिछली एग्जाम्पल को ही, ताकि हम उसे इसके साथ थ्योरी के साथ रिलेट कर सकें। तो ये क्या बोल रहा है देखिए आप, सबसे पहले तो इसके अंदर थ्योरम 1.1 क्या कहती है, देखिए ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। इट सेज गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, तो पॉजिटिव इंटीजर्स मेरे ए एंड बी हो गए, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन, मतलब अलग, बिल्कुल अलग, कोई रिपीट नहीं होगा उसमें। तो क्यू एंड आर यूनिक इंटीजर्स होंगे सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये हमने यहाँ देख लिया कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, और r के ऊपर कंडीशन क्या है कि r इज लाइज बिटवीन 0 एंड b, 0 इंक्लूसिव है, b नॉट इंक्लूसिव है, b वो नहीं ले सकता। तो आपको ये समझ आ गई कि अगर मेरे पास दो a b इंटीजर्स हैं तो उनके बीच में एक यूनिक कॉम्बिनेशन होगा जो q और r वैल्यू देगा, जो डिवीजन एल्गोरिथम हमने यहाँ देखा है। ये दोनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमने डिस्कस कर ली। तो ये हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। अब लेमा होती क्या है, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो
तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है, मतलब इसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम एग्जियम्स पढ़ते थे उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही लेमा को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट होती है विच इज़ यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, और ये किसी और स्टेटमेंट की को प्रूव करने के काम आती है। जैसे हम थ्योरम्स, जैसे एग्जियम से हम थ्योरम्स प्रूव करते हैं। सेकेंड है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होगा? एन एल्गोरिदम इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। इस वर्ड को आप नोट करेंगे, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो एक एल्गोरिदम एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है जिससे हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब इस केस में लेमा को कैसे यूज करेंगे? उन सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम बोलते हैं यूक्लिड डिविजन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या होता है, हमने देखा सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है। लेमा क्या होती है? ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट होती है। इस केस में लेमा क्या है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है? टू ऑप्टेन द एच सी एफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये हमने एग्जाम्पल में देखा था कि हमें एच सी एफ डिराइव करेंगे, निकालेंगे सॉरी, ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से सी एंड डी। अब सी एंड डी क्या है, इसमें कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ये ए एंड बी ही है, सी ए एंड डी बी ही है, आप इसे कर सकते हैं विद सी ग्रेटर देन डी। अब सी को इसने बड़ा मान लिया इस केस में, फॉलो द स्टेप्स बिलो। तो ये एल्गोरिदम के स्टेप्स आपको आगे दिए हुए हैं। एप्लीकेशन क्या है कि हम एच सी एफ ढूंढेंगे दो नंबर्स का। स्टेप वन, स्टेप वन कहता है अप्लाई यूक्लिड्स डिविजन लेमा टू सी एंड डी, सो वी फाइंड होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर वेयर आर लाइज बिटवीन जीरो एंड डी। तो सिंपली हमने स्टेप वन में क्या करना है, हमने लेमा लगानी है सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। तो ये सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर बिल्कुल सेम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। सी इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर, ये मेरी लेमा आ गई इस केस में, और R की कंडीशन फिर से जीरो और किसके बीच में रहेगी, अब B की जगह D आ गया। ठीक है जी, तो स्टेप वन में हमने सिंपली लेमा लगानी है, कुछ नहीं करना हमने। स्टेप टू क्या बोलता है, इफ़ R इज इक्वल टू जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है मेरा, D इज एच सी एफ, तो जो भी लास्ट मेरा डिवाइजर होगा वो मेरा एच सी एफ आ जाएगा जब R मेरा जीरो आ जाता है। अगर उसके बाद इफ़ R इज नॉट इक्वल टू जीरो, अप्लाई द डिविजन लेमा टू D एंड R। अगर R जीरो नहीं है सिंपली, तो मुझे एक बार से फिर लेमा लगानी है। तो स्टेप टू सिंपल है कि अगर मेरा फर्स्ट स्टेप में लेमा लगाता हूँ मैं और मेरा रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो एच सी एफ मेरा वही हो जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो मुझे क्या करना है, फिर मुझे स्टेप थ्री पे जाना है, और स्टेप थ्री क्या है कि मुझे फिर से लेमा लगानी है। लेमा बार बार लगाते रहनी है, देखो क्या बोल रहा है वो, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज जीरो। तो जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता मुझे ये प्रोसेस करते ही रहना है। ठीक है जी, तो लास्ट स्टेज पे जब रिमाइंडर जीरो आएगा द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी रिक्वायर्ड एच सी एफ। तो अब ये थ्योरी को आप इस एग्जाम्पल के साथ बड़े साथ साथ करके देख सकते हैं। लेमा थ्योरम क्या कहती है, सिंपली लेमा ये है या ये है। ठीक है जी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मेरी लेमा है, और r पे कंडीशन है कि वो जीरो और डिवाइजर के बीच में रहेगा, जीरो की वैल्यू वो ले सकता है, डिवाइजर की वैल्यू वो नहीं ले सकता है। इसके बाद लेमा क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट है। एल्गोरिदम क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, किस लिए हैं, क्योंकि हमें एच सी एफ निकालना है लेमा को यूज़ करके, और जो तीन स्टेप्स हम यूज़ कर रहे हैं इसीलिए वो एल्गोरिदम हो गया। तो एल्गोरिदम और लेमा में फ़र्क समझ आ गया आपको, कि हम लेमा को बार बार यूज़ करके जो स्टेप्स बना रहे हैं वो एल्गोरिदम है, और उसका काम क्या है कि हम उसे एच सी एफ निकाल रहे हैं। तो स्टेप वन में आपने सिंपली लेमा लगानी है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। स्टेप टू में क्या है कि अगर रिमाइंडर मेरा ज़ीरो आ गया तो वो मेरा एच सी एफ होगा, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो मुझे कंटिन्यू करते रहना प्रोसेस का जब तक जीरो ना आ जाए। ये देखिए आप, हमने सबसे पहले लेमा लगाई, स्टेप वन किया हमने, ये मेरा स्टेप वन आ गया। उसके बाद रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो मैं स्टेप थ्री कंटिन्यू करता रहा, और कब तक कंटिन्यू करता रहा, जब तक मेरा जीरो नहीं आ गया। ये देखिए, ये स्टेप टू से ज़ीरो आते ही मेरा सेवन, मेरा एच सी एफ आ गया। तो ये हमें एक बार अच्छे से देख लेना है कि हमें ये निकालना आ गया एच सी एफ, क्योंकि इसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइजेस के एंड एग्जाम्पल्स करेंगे।
तो आप इसको जब तक ये चीज़ आपको समझ नहीं आ जाती तब तक आप इसे एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे क्वेश्चंस करेंगे हम इससे। थैंक यू। एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल्स को हम अभी देखते हैं इसी में साथ में, क्योंकि अभी हमारा को टॉपिक समझ आ गया है, तो दो तीन एग्जाम्पल्स करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल वन कहती है यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, दो मार्कर के लिए आ सकते हैं। तो आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को सिंपली अंदर रखेंगे, 12576, ठीक है जी। बड़े नंबर को मैं अंदर रखूँगा और इसको मैं डिवाइड करूंगा बाहर 4052 से। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा 3 से ले जाने की, 3 × 26, 3 × 5 = 15, 1 × 3 हो, गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, यहाँ से 3 × 26, 3 × 5 = 15, 1 × 3 = 12। तो इसमें 0, 2, 5 में से 1, 4, तो 420 मेरा रिमाइंडर आ गया। अब मेरा 4052 नया डिविडेंड बन जाएगा और 420 से मैं डिवाइड करूँगा, 10 से बड़ा चला जाएगा, तो एक लेस 9 से ट्राई करते हैं, 9 × 0, 9 × 18, 1 कैरी, 9 × 4 = 36, 37 × 2, 7972, तो 272 इसमें मेरा आ गया रिमाइंडर। अब मेरा नेक्स्ट जो है 420 अंदर चला जाएगा, तो ये तो 1 से ही ट्राई करना चाहिए हमें, तो 272 आ जाएगा, 8 × 11 = 74 एंड 3 × 1, 148। नाउ 272 अगेन, ए 1 से ट्राई करेंगे हम, 148, 12 में से 8, 4, 6 में से 4, 2, 1 में से 1, 124। ये लंबी जा रही है डिवीजन, बट हमें करते रहनी है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगेन 1, 124, तो 24 आ गया यहाँ मेरा, अगेन 124, तो 5 से आई थिंक चला जाएगा ये 120, राइट, 4 आ गया, 24 4 से पूरा डिवाइड होता है, तो 24 × 6, 24, रिमाइंडर 0। सो 0 रिमाइंडर पे क्या है, एच सी एफ इज 4। तो आंसर तो मुझे यहाँ पे पता चल ही गया है कि एच सी एफ ऑफ 4052 एंड 12576 इज 4, ठीक है। अब इसको लेमा की फॉर्म में कैसे लिखना है, अगर आप डायरेक्ट लेमा की फॉर्म में लिख सकते हैं गुड इनफ, बट मैं सजेस्ट करूंगा पहले हम अपना एच सी एफ निकाल लें और फिर इसको लेमा की फॉर्म में लिखते हैं। तो लेमा की फॉर्म देखिए कैसे लिखी जाएगी, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली 12576 इज इक्वल टू 4052 × 3, मेरा यहाँ से क्वेश्चन आया, रिमाइंडर मेरा 420 है, प्लस 420, ठीक है जी। तो ये मैंने डिवीजन एल्गोरिथम लगाया, इसका जब ये डिविडेंड डिवाइजर से डिवाइड किया, 4052 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड प्लस रिमाइंडर 420। अब मेरा 4052 जो है वो यहाँ आ जाएगा और 420 मेरा नया डिवाइजर बन जाएगा, 420। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 9 से, देखिए हमने 420 को 9 से मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर 272 आया, प्लस 272। अब 420 ऐसे ही मेरा नया डिविडेंड बन गया और डिवाइजर मेरा 272 बन गया, तो 270 × 1 प्लस 148 × 1 प्लस 148। अब 272 148 से मल्टीप्लाई किया तो × 1, रिमाइंडर इज 124, हम यहाँ चेक कर सकते हैं।
उसके बाद 148 को जब मैंने 124 से डिवाइड किया इनटू 1 अगेन रिमाइंडर 24 आप यहाँ पे देख सकते हैं. देन कम्स 124 व्हेन डिवाइडेड बाय 24 क्वोशेंट इज 5 एंड रिमाइंडर इज 4 एंड लास्ट स्टेप इज 24 व्हेन डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर इज सॉरी क्वोशेंट इज 6 एंड रिमाइंडर इज 0. सो एल्गोरिदम क्या बोलता है कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो लास्ट डिवाइजर होता है मेरा दैट इज माय एचसीएफ. ठीक है जी. तो ये हमें ऐसे लिखना है, इसके मार्क्स हमें बोर्ड में मिलेंगे. तो हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और एचसीएफ 4 आया इसमें. ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, डिफरेंट टाइप का एग्जांपल होगा वो. एक रिमार्क पहले देख लेते हैं, ये मुझे अभी दिखा है. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज स्टेटेड फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स बट इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट जीरो. कहने का मतलब क्या है कि ये किसी एल्गोरिदम जो है हम हालांकि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए लिखा गया है लेकिन आप इसे ऑल इंटीजर्स पे लगा सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स पे भी लगा सकते हैं बट यहाँ आपके सिलेबस में पॉजिटिव ही है लेकिन ज़ीरो के लिए नहीं लगा सकते बस. ठीक है, तो बस आपने एक बात ध्यान रखनी है, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हम किस पे लगा सकते हैं तो सिर्फ याद रखिए हम जीरो पे नहीं लगा सकते, बी को जीरो हम नहीं ले सकते. तो वन मार्कर के लिए आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट है चीज़ जिसे हम याद रख सकते हैं. आइए अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके आगे बेस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है. टाइप ये 2 मार्क्स के लिए भी आ सकती है, 4 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा आती है तो इसको मैं सजेस्ट करूँगा आप इस टाइप को स्टार्ट कर लीजिए, मैं क्वेश्चंस को भी लगवाऊँगा तो इसको बहुत अच्छे से समझना है कि इसमें हम कैसे यूज़ कर रहे हैं. थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ध्यान रखिएगा मेरे साथ. शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q. तो हमें प्रूव करना है कि इवन इंटीजर जो है वो 2q फॉर्म का है एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q+1 वेयर क्यू इज सम इंटीजर. राइट, तो हमें क्या प्रूव करना है कि हर पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 2q की फॉर्म का है और हर ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 2q+1 फॉर्म का है. तो ये हमें आते हैं बचपन से लेकिन जिसको नहीं आता मैं 2 मिनट आपके साइड में लूँगा और मैं आपको वहीं पे बता देता हूँ कि क्या है. जैसे आप इवन के लिए हम क्या बोल रहे हैं, इवन के लिए हम बोल रहे हैं 2q. ठीक है जी. अब क्यू इसमें आप कोई भी वैल्यू डाल के देखिए, जैसे आप यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं, अगर क्यू की वैल्यू मैं 1 डालता हूँ, क्यू की वैल्यू मैं 1 डालता हूँ तो 2q क्या होगा मेरा, 2 × 1 = 2 होगा. राइट, तो अगर मैं क्यू की वैल्यू 2 डालता हूँ तो 2 × 2 = 4 होगा. तो आपने देखा चाहे मैं क्यू की वैल्यू ऑड डालूँ चाहे मैं क्यू की वैल्यू इवन डालूँ मेरा रिजल्टिंग नंबर हमेशा इवन ही आने वाला है. ऐसे आप कोई भी वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं. तो आज के बाद आप एक बात को तो हमेशा याद कर लीजिए कि इवन नंबर मेरा हमेशा 2q हो सकता है. क्यू की जगह हम m भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं. तो जब भी मेरा नंबर 2q की फॉर्म में होगा वो हमेशा इवन होगा. अब सिंपली ऑड के लिए उसने क्या बोला, ऑड के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि 2q+1. राइट, तो 2q+1 ऑड नंबर होगा, बिल्कुल होगा. आप देखिए इसमें मैं +1 कर दूं तो 3 नहीं आएगा क्या, और इसमें मैं 1 ऐड करूं तो 5 आएगा. तो मैं इवन नंबर में जब भी 1 ऐड करूंगा तो हमेशा ऑड नंबर आएगा. राइट, तो 2q हमेशा इवन आज के बाद, 2q+1 हमेशा ऑड. क्यों ही नहीं, इसको हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. अब इसमें एक चीज़ थोड़ी सी अगर आप ख्याल रख सकते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है. और वो क्या है, क्या मैं 2q-1 कर सकता हूँ ऑड के लिए? तो आप अगर चेक करेंगे तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ क्योंकि आप 2 में से 1 माइनस करेंगे अगर इस केस में, इवन में से 1 माइनस करेंगे हमेशा तो तब भी ऑड ही आएगा. तो ये मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्कर की टिप दी है. ठीक है जी. तो आइए अब वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन हमें समझ आ गया है और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन समझ नहीं आता तो हम उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते. तो क्वेश्चन अब सिंपल कितना हो गया, क्वेश्चन ये बोलता है कि 2q हमेशा इवन फॉर्म में होगा और 2q+1 हमेशा ऑड फॉर्म में होगा. तो हम क्वेश्चन में से लेते हैं, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q. तो हम कहते हैं लेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं.
तो लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए, तो हमने ए मान लिया। और दूसरी अजम्पशन हम मानेंगे कि एंड बी इज इक्वल टू टू। अब आप कहेंगे ये कहाँ से है अजम्पशन, पॉजिटिव इंटीजर को ए मानना, तो मान सकते हैं कोई भी वेरिएबल मान लिया, लेकिन बी को टू क्यों लिया? तो यहाँ पे आपने हमें पता है कि जब हम लेमा लगाएंगे तो बी क्यू प्लस आर होता है, तो ये मेरा 90% केसेस में बी हम जो यहाँ पे लगा होता है वही उठाते हैं। सिर्फ स्क्वायर और क्यूब में एक कंडीशन है तो हम हटा लेते हैं, क्योंकि आर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, आपको भी समझ आ जाएगा। तो फिलहाल अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि बी हम जो यहाँ लगा होगा वही उठाएंगे। तो अब मेरा ए और बी तो डिसाइड हो गए, तो अब मेरी लेमा क्या होती है? लेमा मेरी होती है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर के ऊपर मेरे कंडीशन क्या लगी होती है कि आर जीरो और बी के बीच में रहेगा। अब यहाँ पे हमने ए तो मान लिया, बी को हमने टू मान लिया इस केस में, क्यू क्यू रहेगा और आर आर रहेगा, क्योंकि अभी हम वो निकाल लें, वो यूनिक निकल के आएंगे हमारे पास। अब R अगर B2 है तो एक चीज़ और डिसाइड होगी कि R मेरा 0 से बड़ा होगा लेकिन 2 से हमेशा छोटा रहेगा। तो अगर मेरा R 0 या 0 से बड़ा रहेगा तो कितने केसेस आ जाएंगे? तो R के मैं देखूंगा तो मेरे पास या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, बस दो ही केस रहेंगे, ठीक है? तो नॉर्मली एक और बात याद रख सकते हैं, जितना B होगा उतने ही मेरे R रहेंगे केसेस, जैसे B 2 है तो दो ही मेरे रिमाइंडर रहेंगे, लेकिन 2 नहीं रह सकता, उससे छोटे रहेंगे 0 और 1। अब मैं अगर केस वन लेता हूँ जिसके अंदर मैं r इज इक्वल टू ज़ीरो लेता हूँ, तो मेरी ये वाली इक्वेशन जो मेरी इक्वेशन वन है, इसको मैं वन डाल देता हूँ, तो इक्वेशन वन क्या बन जाएगी? इक्वेशन वन बन जाएगी मेरी a इज इक्वल टू टू क्यू प्लस r की जगह ज़ीरो, तो बेसिकली a इज इक्वल टू टू क्यू बन जाएगी। अब ये हमें पता है कि टू क्यू इज़ ऑलवेज इवन नंबर, इट इज़ ऑलवेज इवन नंबर, समझ आ गया जी आपको? अब नेक्स्ट में केस टू के अंदर जब मैं आर को वन लेता हूँ तो मेरा क्या बनने वाला है? टू क्यू प्लस वन। अब ये हमारी फिर से आ गई, टू क्यू प्लस वन इवन में, जैसे ही वन ऐड करते हैं हमें पता है वो ऑड होता है, तो ऑड हो गया। तो ए कब मेरा इवन हुआ? जब वो टू क्यू की फॉर्म में, और ए ही मेरा कब ऑड हुआ? जब वो टू क्यू प्लस वन फॉर्म में। यही हमसे मांगा गया था, दोबारा देखिए कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, जो हमने इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म टू क्यू, तो पॉजिटिव इंटीजर हमने ए मान लिया था, तो पॉजिटिव इंटीजर ए हो गया, जब वो टू क्यू की फॉर्म में आया तब वो इवन हो गया, और वही पॉजिटिव इंटीजर ऑड कब हो गया? जब वो टू क्यू प्लस वन में हो गया। तो ये आ गई, तो हमने क्या किया सिंपली कि पॉजिटिव इंटीजर को ए मान लिया, बी को हमने टू मान लिया, जो हमें यहाँ पे दिया गया होगा उसी से मान लेंगे हम। उसके बाद हम बी अगर टू आ गया तो आर मेरा सिर्फ दो वैल्यूज ले सकता है, जीरो और वन, तो वो दोनों हमने लेमा लिखा ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस आर, और दोनों केसेस आर इज इक्वल टू जीरो से मेरा क्या बन गया? ए इज इक्वल टू टू क्यू बन गया, और केस टू आर इज इक्वल टू वन से ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस वन बन गया। अब हमें पता है कि 2q is always even number and 2q plus 1 is always odd number, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ये सिंपल है, इससे हम यूज़ करके आगे आगे बनाएंगे। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल भी देखते हैं। एग्जाम्पल थ्री क्या बोल रही है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is some integer। तो अब इसमें क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट होगी भाई मांगने की, पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड प्रूव करना है हमने, वो किस फॉर्म में आएगा? हमेशा 4q plus 1 और 4q plus 3 में, ठीक है जी? तो फिर से हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे हम, लेट पॉजिटिव इंटीजर इज a, राइट, और b को इसमें क्या लेंगे हम, एंड b इज इक्वल टू, अब यहाँ से b आपको दिखे रहा है बी क्यू प्लस आर फॉर्म में, b को हम यहीं से 4 लेंगे। तो अब मेरे पास जो लेमा से क्या बन के आएगी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मेरी लेमा होती है, और r मेरा जो होता है वो 0 से b के बीच में रहता है। अब a तो a ही है,
बी मेरा क्या है इस केस में, फोर, तो फोर क्यू प्लस आर, और अब आर मेरा ज़ीरो से फोर के बीच में रहेगा। तो कहने का मतलब आर मेरा ज़ीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, क्योंकि फोर से छोटा रहेगा। अब इसके केसेस देख लेते हैं हम। तो केस वन जब मेरा, अच्छा यहाँ पे लेमा एक बार और लिख लेते हैं कि ए इज इक्वल, हो गया ये, ठीक है सॉरी। अब केस वन में हम क्या लिखेंगे, केस वन में लिखेंगे हम कि जब आर इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो जैसे ही आर इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो मेरा ए क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस ज़ीरो, यानी कि ए इज इक्वल टू फोर क्यू। अब आपको पता है ये इवन नंबर है, अभी मैं यहीं छोड़ रहा हूँ केसेस, फिर आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन इसके आगे करेंगे। फिर नेक्स्ट इज केस टू। केस टू क्या है, जब आर इज इक्वल टू वन है तो ए इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस वन हो जाएगा। इवन में आपने वन ऐड कर दिया तो ये ऑड हो जाएगा। अब केस थ्री देखते हैं। केस थ्री इज जब आर मेरा टू हो जाएगा तो ए इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस टू हो जाएगा। अब ये भी मेरा इवन है क्योंकि इवन में मैं इवन नंबर ऐड कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज केस फोर वेयर आर इज इक्वल टू थ्री। नाउ ए इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस आर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा इवन नंबर हो गया, ये मेरा ऑड नंबर हो गया, ये मेरा इवन नंबर हो गया और ये मेरा ऑड नंबर हो गया। तो अब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसने बोला कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी कि ये वाला केस और ये वाला केस, ठीक है जी, क्योंकि हमने तो एनी इंटीजर मांगा है और जब मैंने बी फोर लिया तो मेरा ऑड आ गया, तो दोनों मेरी ऑड में सही आ रही हैं बिल्कुल, तो मेरा क्वेश्चन हो गया वेयर क्यू इज सम इंटीजर। अब आप सीबीएसई में इतना लिख के आएंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझें, क्योंकि जब हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे या आरडी शर्मा के करेंगे तो हमें उसमें बहुत हेल्प होगी। तो इसमें क्या चीज़ है, देखिए अब आप देखिए ये इवन दिख रहा है सबको, अगर मैं इसको प्रूव करूँ तो कैसे करूँगा, आपको पता है मैं फोर में से टू बाहर निकाल लेता हूँ तो ब्रैकेट में टू क्यू से मल्टीप्लाई करके देखिए वापस फोर क्यू आ रहा है। अब टू क्यू को ब्रैकेट के अंदर जो भी है मैं उसे एक नया वो डाल देता हूँ वेरिएबल एम, तो 2m, अब ये मेरा बेसिक आ गया, अब मुझे पता है 2m इज ऑलवेज इवन, तो 2m इज ऑलवेज इवन। नाउ दिस इज, अब ये a इज इक्वल टू 2m आ गया वेयर m इज इक्वल टू, यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, ये जरूर लिखना पड़ेगा वेयर m इज 2q, क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं, तो वेयर m इज इक्वल टू 2q, इसीलिए ये इवन है। समझ आ गई आपको बात। नेक्स्ट इज इसीलिए ये इवन है क्योंकि अब मैं इसे बेसिक फॉर्म में ले आया, बिल्कुल यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमने फर्स्ट एग्जांपल में वैसे ही दिखा दिया था। इसको हम हमेशा ले सकते हैं, 2m को इवन लेंगे, 2m प्लस 1 को हमेशा ऑड लेंगे। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में आप देखिए, अब इसमें तो 2 कॉमन नहीं आ रहा तो पूरे में से नहीं निकलेगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, सिर्फ 4q को मैं ब्रेक कर लूँगा, 2 इंटू 2q प्लस 1 एज इट इज़ बाहर रहने देंगे। तो अब मैं इसको अगर m डाल दूं 2q को तो 2m प्लस 1 बन गया, जो हमें पता है ऑड है, यहाँ पे भी हमने m क्या लिया वेयर m इज इक्वल टू 2q, तो यहाँ पे मेरा ऑड आ गया, देखिए ठीक है जी। अब यहाँ तो कोई भी हमें कुछ नहीं बोल सकता आपने ऑड कैसे माना, हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट में इस केसेस में देखेंगे तो इस केस में 2 मेरा पूरे में से कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो मैं दोनों में से ले लूँगा, तो 2q प्लस 1 अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। अब 2 इंटू, अब ये नंबर भले ही ऑड है हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो इस पूरे को m डाल देंगे, हम इस पूरे को m डाल देंगे, तो ये मेरा फिर से इवन नंबर आ गया, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे फिर हम लिखेंगे वेयर m इज इक्वल टू 2q प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग ले रहे हैं, तो ये मेरा देखिए इवन नंबर आ गया, ठीक है जी। अब लास्ट केस में देखिए, यहाँ भी 2 कॉमन नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इसमें से 2 उठा लेता हूँ, तो 2 इंटू 2 क्यू 4 क्यू हो जाएगा मेरा प्लस 3। अब इसमें एक वो है कि
क्योंकि हाँ यहाँ पे देखो ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा, ये प्लस थ्री मेरा अलाउड है, जो क्वेश्चन मांगा उस पर मैं हमेशा एक नज़र रखूँगा, तो प्लस थ्री क्योंकि मेरा अलाउड है तो मैं प्लस थ्री यहीं रखा रहने दूंगा। तो ये मेरा, अच्छा एक काम करते हैं इसको छोड़िए, प्लस थ्री अलाउड है अभी छोड़ते हैं इसको, और सिंपल करते हैं क्योंकि हम तो बेसिक तक जा रहे हैं। मैं क्या करूँगा, इसको काट देता हूँ स्टेप को, क्योंकि मुझे थ्री में रखना ही नहीं। मैं इसको इसमें से वन, क्यों मैं सिर्फ यहाँ पे बेसिक में कर रहा हूँ तो वन अलाउड है मुझे इवन में ऐड करना सिर्फ, तो मैं इसको ब्रेकअप कर लूँगा, 4 क्यूब प्लस 2 प्लस 1, इस थ्री को मैंने 2 प्लस 1 में ब्रेकअप कर लिया ऐसे। अब क्या होगा, अब इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल लूँगा, तो इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन निकाला तो 2 क्यूब प्लस 1, ये तो सिर्फ ये बन गया राइट। अब ये वाला 1 जो है ये अलग से इधर आ गया, ठीक है जी। अब इस पूरे को मैं m डाल दूंगा तो 2m प्लस 1, तो a मेरा क्या बन गया, इज इक्वल टू a, ये मेरा 2m प्लस 1 फिर से मेरी बेसिक फॉर्म में आ गया। यहाँ पे ये 2m प्लस 3 फॉर्म में आता, देखिए वो भी ऑड था लेकिन हमने तो अपनी मिनिमम रखी है 2m प्लस 1 को ऑड प्रूव करना, ऑड लेना हमने, तो मैंने उसे मिनिमम में लिख दिया, ठीक है जी। तो ये मेरा बिल्कुल बेसिक और बहुत ही बढ़िया, अगर आप ऐसे करके आते हैं तो मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे आपके, और आगे आगे ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में यूज़ होगा। तो इस ये वाली जो टेक्निक मैंने करी है इसको प्लीज़ नोट करिए कि हमने क्या करा, जो हमें यहाँ पे हमने 2m प्लस 1 करना था, 1 हमारे पास नहीं था तो हमने 1 निकाल लिया, 3 में से 1 निकाल लिया और 2 बच गया इधर, तो 4 क्यूब प्लस 2 में से हमने 2 कॉमन ले लिया और इधर +1 एज इट इज़ लिखा रहने दिया, और इसको अब मैंने m डाल दिया, तो वेयर m इज़ वेयर, अब यहाँ भी लिखना पड़ेगा क्योंकि m हम चेंज कर रहे हैं, वेयर m इज़ 2 क्यूब प्लस 1, क्योंकि हमने m 2 क्यूब प्लस 1 को लिखा है तो m हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखिए आप बड़े आराम से, ये ऑर्ड आ रहा है 2m प्लस 1, ये ऑर्ड आ रहा है 2m प्लस 1, और किस फॉर्म में ये 4 क्यूब प्लस 3 और 4 क्यूब प्लस 1 फॉर्म के हैं। यही उसने मांगा था कि ऑर्ड वाले नंबर मेरे सिर्फ इन दो फॉर्म के होने चाहिए क्योंकि बाकी दो के तो इवन आ रहे हैं, ठीक है जी। तो आप क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑर्ड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4 क्यूब प्लस 1 एंड 4 क्यूब प्लस 3, वेयर क्यू इज सम इंटीजर। तो ये दो एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छी तरह से देखने हैं, इनके बेस पे ही आगे हमारी एक्सरसाइजेज होंगी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, तो बार बार वीडियो आप देखेंगे जब तक आपको ये नहीं आ जाएगा। अब एक लास्ट एग्जाम्पल और देखेंगे इसके बाद। एग्जाम्पल 4 कहती है, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। तो एक स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फीज हैं एंड 130 बादाम बर्फीज हैं। शी वॉन्ट्स टू स्टैक दैम इन सच अ वे, वो उसे ऐसे स्टैकअप करना चाहती है, स्टैक दैम मीन्स एक के ऊपर एक रखना, इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज सेम नंबर, ताकि हर स्टैक में सेम नंबर हो। भाई सपोज अगर पाँच एक के ऊपर एक पाँच बर्फियाँ रखें तो सब पाँच का ही स्टैक बनेगा, जितने भी बनेंगे 10 12 15 जितने भी बनेंगे। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और वो लीस्ट एरिया ले। वट इज़ द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, तो हर स्टैक में क्या नंबर आएगा फॉर दिस पर्पज़। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि दो टाइप की मेरे पास बर्फीज़ हैं, काजू की और बादाम की है, दो नंबर दिए हुए हैं मुझे, और मुझे स्टैक में सेम नंबर की बर्फीज़ रखनी अलाउड है, ठीक है जी। तो कितने स्टैक बनेंगे, देखिए अब स्टैक इन बर्फियों से बड़ा तो हो नहीं सकता, इनसे छोटा होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो HCF के भी होते हैं और LCM के भी होते हैं। अब उसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप, इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक चीज़ क्या है कि HCF का क्वेश्चन कौन सा होगा और LCM का, क्योंकि आगे जाके मिक्स हो जाएंगे, अभी हमने डिस्कस नहीं करा लेकिन आगे जाके मिक्स हो जाएंगे, तो आपको बड़ा आराम से ध्यान रखना है। मैं अगली एक्सरसाइज में बताऊंगा अभी कि सिंपल अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके बेस पे कि HCF क्या होता है, दो नंबर से छोटा होता है ना हमेशा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, फैक्टर हमेशा छोटा रहता है, ठीक है जी, दोनों का कॉमन फैक्टर। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो दोनों से कम जब भी केसेस बनेंगे कॉमन वाले, तो हमेशा नंबर से जब छोटा होगा तो HCF होगा, और दोनों नंबर से बड़ी जब कोई चीज़ हम डिस्कशन कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा LCM होगा, ठीक है जी। जैसे हम अभी चले हैं, सब कॉमन स्टेप्स लेके चल रहे हैं, आगे हम किस कॉमन स्टेप पे मिलेंगे, वो LCM आ गया, और जब हम किसी दो नंबर से छोटे की बात कर रहे हैं तो HCF आ गया। आपको समझ आ गई ये चीज़, तो जब भी दो नंबर से, जैसे ए बी अगर दो नंबर है उससे हम
लेस देन की बात कर रहे हैं तो एच सी एफ, और जब भी कोई कॉमन चीज़ बड़े की बात करें जो उन दोनों नंबर से बड़ा है तो एल सी एम। तो इसको हम बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे। अब आपको पता है यहाँ कैसे लग रहा है, यही देखते हैं कि काजू बर्फी हैं 420 हैं, बादाम बर्फी 130। अब जो कॉमन स्टैक बनेगा इनसे कम बनेगा कि इनसे ज़्यादा बनेगा, एक स्टैक में कितने नंबर की बर्फियाँ होंगी, इनसे कम होंगी। तो एच सी एफ का क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ तो हमें पता ही है एच सी एफ का, हमने इसकी एक्सरसाइज है, लेकिन हमें पेपर में नहीं पता होगा। तो आपको समझ आ गया ये चीज़, तो ये वाली चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाती है, तो इस टाइप को आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या करेंगे, दोनों का एच सी एफ निकाल लेते हैं, क्योंकि बस एक बार समझने में वो थी। अब जो नंबर है वो कितना आएगा, वो आपका पहले हम एच सी एफ फाइंड आउट कर लेते हैं, किसका 420 का एंड 130 का। तो आप इसे जैसे मर्जी करिए, अब आपको आता है लगाना। डायरेक्ट अगर आप लगाना चाहें तो 420 को 130 से डिवाइड किया तो इनटू 3390 हो जाएगा, प्लस 30 रिमाइंडर। आप इसे पहले रफ में वैसे भी कर सकते हैं जैसे हमने पीछे किया था, और फिर इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद 130 यहाँ पे आ जाएगा, 30 यहाँ आ जाएगा, 30 इंटू 4 120, 10 मेरा आ गया। अब 30 मेरा यहाँ आ जाएगा, 10 से मैं डिवाइड करूँगा, ये एग्जैक्ट चला गया और रिमाइंडर 0। तो एच सी एफ मेरा इज़ 10। तो एच सी एफ मेरा क्या आ गया, इसका 10 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ एच सी एफ का, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बर्फियाँ अब मैं स्टैक करने जा रहा हूँ, स्टैक का मतलब एक के ऊपर एक रखने जा रहा हूँ, तो कितना हुआ, जैसे ये एक बर्फी है बादाम की, ये दूसरी बर्फी है बादाम की, ऐसे मैं कितनी रखूँगा, ऐसे मैं 10 बर्फीज़ का स्टैक बनाऊँगा। तो क्वेश्चन हमारा यहीं पर एंड हो जाता है कि क्या करेगा वो, ईच स्टैक में, ईच स्टैक आंसर क्या है मेरा, ईच स्टैक हैज़ 10 बर्फीज। ठीक है जी, लेकिन हम इसको सेम टाइप के कितने स्टैक बनेंगे उसको, क्वेश्चन को आगे ले जाते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि वो दूसरे क्वेश्चंस में यूज़ होगी। मतलब क्या है मेरा कि कितने स्टैक, अब मैं आपको एक चीज़ बढ़ा के दे रहा हूँ कि कितने स्टैक जो है मेरे वो काजू बर्फी के होंगे। हाउ मैनी स्टैक्स काजू बर्फी के होंगे, और दूसरा बादाम बर्फी के कितने स्टैक्स होंगे। अब हम क्वेश्चन को इसी को आगे ले जा रहे हैं अपनी समझ के लिए। तो अब आपको पता है एक स्टैक में तो 10 ही बर्फीज़ रहनी है, ठीक है जी, 10 बर्फीज़ एक स्टैक में रहनी है मेरी। तो अब मेरे पास टोटल 420 काजू बर्फीज़ हैं, टोटल मेरे पास 420 काजू बर्फीज़ हैं, और 130 जो है मेरे पास टोटल बादाम बर्फीज़ हैं। तो अगर 10 बर्फीज़ एक स्टैक में आ गई तो बर्फीज़ पर स्टैक, एक स्टैक के अंदर कितनी बर्फी आ गई, 10 बर्फी आ गई, तो टोटल 420 हैं, 420 मेरे पास टोटल बर्फीज हैं, 10 मेरे पास हर स्टैक में बर्फी लगेंगी, तो नंबर ऑफ स्टैक कितना हो गया, नंबर ऑफ स्टैक कितना हो गया, सिंपली 420 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 42। तो 42 स्टैक्स तो मेरे काजू बर्फी के बन जाएंगे, आप बड़े आराम से देख सकते हैं, हर स्टैक में 10 बर्फीज और 42 स्टैक्स, 42 इंटू 10 420। सिमिलरली बादाम बर्फी के कितने स्टैक्स बनेंगे, बादाम बर्फी के भी 10 से डिवाइड कर दूंगा मैं, 130 डिवाइडेड बाय 10, तो 13 स्टैक्स जो है मेरे, ये 42, 13 स्टैक्स जो है मेरे वो बादाम बर्फी के बनेंगे। ठीक है जी, तो बादाम बर्फी के मेरे 13 स्टैक्स बनेंगे और काजू बर्फी के मेरे 42 स्टैक्स बनेंगे। तो अब समझ आ गया आपको क्वेश्चन कि हमने हर स्टैक में कितनी बर्फियाँ लगेंगी वो कैसे निकाली, एच सी एफ के थ्रू, क्योंकि स्टैक्स कम होते हैं इसलिए हमें पता है एच सी एफ है, और कितने स्टैक्स बनेंगे ये हमने एडिशनल अपने ऊपर लिया ताकि हम और सीखें, तो सिंपली हमने दोनों को डिवाइड कर दिया एच सी एफ से, तो मेरे नंबर ऑफ स्टैक्स आ गए। तो ये मेरा हो गया। तो अब इसमें हम एक बार अगर रिवाइज करेंगे तो कैसे करेंगे फटाफट, कि हमने आज क्या क्या सीखा, तो हमने तीन चार चीज़ें सीख ली। सबसे पहले ऊपर चलते हैं, ठीक है, हमने क्या किया था डिस्कस कि ये हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, अब रियल नंबर्स में हम फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं, और फर्स्ट पार्ट मेरा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का, उससे हम एच सी एफ फाइंड करते हैं। ठीक है जी, उससे हम एच सी एफ फाइंड करते हैं। एच सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, एच सी एफ हम ऐसे निकाल लेंगे पहले, और लेमा की फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे। ठीक है जी, लेमा की फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे, बार बार लेमा को रिपीट करना जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, राइट। तो हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से एच सी एफ निकालना सीख लिया।
सेकेंड उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स करिए, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में वही टाइप है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हमने एच सी एफ निकाला। सेकेंड टाइप हमारी कंसेप्चुअल हो जाती है, जिसमें हमने जो भी हमसे मांगा गया है उसको हमने कोशेंट बी ले लेना है और केसेस बना देने उस हिसाब से रिमाइंडर लेके, ठीक है। बी की वैल्यू यहीं से उठानी है और लेमा लगानी है, और उतनी आर की वैल्यू के लिए, उतनी आर की वैल्यू के लिए मुझे ये चीज़ है, जो आर की वैल्यू के लिए उतने केसेस बना देने मैंने, और उतनी केसेस से इवन और ऑड नंबर हमारे आ जाएंगे, या जो भी क्वेश्चन मांगा वो आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसके बाद ऐसी अगली एग्जांपल भी हमने इसी चीज़ की देखी थी, अगली एग्जांपल भी यही थी ऊपर, ठीक है जी। तो इसमें हमने जैसे फोर दिया हुआ है तो बी को हमने थ्री ले लिया, और थ्री लेने से हमने आर के चार केसेस ले लिए थे, ये मेरे चार केसेस आ गए, राइट। और हमने चारों कर दिए। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि आप इसको बेसिक तक भी ला सकते हैं, यहाँ ग्रीन तक जहाँ तक है वहाँ तक लिखने के नंबर ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन समझ के लिए और आगे मुश्किल क्वेश्चंस के लिए हमने इसको ऐसे ब्रेकअप कर लिया था। तो ये टाइप, तो दो टाइप होगी मेरी अब तक, एक एच सी एफ फाइंड आउट करना और एक ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन करना, और तीसरी मेरी आ गई इनकी एप्लीकेशन किस चीज़ की, स्टेटमेंट क्वेश्चंस की। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपको बस ध्यान रखना है कि एच सी एफ निकालना या एल सी एम आपको पता होना चाहिए, इंडिपेंडेंट केसेस को आप ट्राई कीजिएगा और हो जाएंगे। तो हमारे पास चार टाइप्स बड़ी सिंपल सी बन गई, अगर हम उसे लिस्ट डाउन करने की कोशिश करें तो मैं यहीं साइड में कर देता हूँ या थोड़ी सी नीचे कर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं इसको रीकैप करूँ तो सबसे पहले आपको एच सी एफ निकालना आना चाहिए यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, ठीक है, या एल्गोरिदम, लेमा को यूज़ करके हम एल्गोरिदम कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ हमने क्या देखी कि हमें 2Q या 2Q प्लस 1 टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने चाहिए प्रूव करके, वो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से ही होंगे, लेमा से होंगे बेसिकली, उसमें हम केसेस डाल लेंगे। और तीसरी टाइप जो मैंने करी वो हमारी एच सी एफ की स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, जो हमें पता होने चाहिए कि कैसे आएंगे। तो ये हमारा रिकैप, आप इसका माइंड मैप ध्यान रखिए, और इस हिसाब से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की वो ख़त्म होती हैं सारी एग्जांपल्स और टाइप्स। अब एक्सरसाइजेज में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैसे करेंगे। चलिए, थैंक यू।